क्लियर करती हूँ, कुछ भी हमारा रिलैक्स नहीं हुआ है। लोगों से बस यही गुजारिश है कि घर में बैठ के सेलिब्रेट करें। वेट कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जो डील की थी गवर्नमेंट ने वो खत्म हो चुकी है, मेहरबानी करके आप निकल जाइए अपने अपने घर की ओर। मैसेज है कि कोरोना है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अपनी सेफ्टी के लिए और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए मैं गुजारिश करूँगी कि लोग घर में ही रहें, घर से ईद मनाएं। हैप्पी फेस्टिवल है तो उसको घर में रह के सेलिब्रेट करें। बाकी सब कुछ आज न्यूज़ मीडिया में आया था कि रिलैक्स किया गया है, रिलैक्सेशन कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखें, घर पे ही रहें सब। रिवाज है, रिवाज के मुताबिक जो बेकरी कन्फेक्शनरीज मीट वगैरह उसके लिए तो इन्होंने डील दी थी, बट ये थोड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए है, इसकी वजह से कंजेशन हो जाएगा। इन्होंने टाइमिंग थोड़ी सी गलत रखी है, फ्रॉम 8 to 12, जबकि एन रूट्स जितने भी एरियाज है वो बंद है, लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे दुकानों पर आएंगे, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि अगर ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए रखते फ्रॉम मॉर्निंग 8 to evening 5 तो रश कम रहता है, लोग बारी बारी सब लेते हैं, इससे एक कंजेशन हो जाती है। जब भी आप किसी भी बेकरी शॉप पे भी जाओगे बहुत कंजेशन है, एंड देयर इज अप्रेंशन के ट्रांसमिशन हो जाएगा। पुलिस रोज ही हरकत में है, आज पता नहीं लोग मिसलीड हो गए थे कि दुकानें खुली हुई हैं, इसीलिए हमें आप ज़्यादा देख रहे हैं, पर हम लोग रोड पर हमेशा से हैं। हमें गुजारिश बस यही है लोगों से कि वो घर पे बैठे, बाकी कुछ रिलैक्स नहीं हुआ। या तो करना ही नहीं था, लोगों ने पूरे साल खाया है, इस साल नहीं खाते, बंद ही रखना था वो सबसे अच्छा था। जब सेहत है, जान है तो सब कुछ है, जब जान ही नहीं है तो बेकरी को क्या करना है। नहीं है, ये मैं क्लियर करती हूँ, कुछ भी हमारा रिलैक्स नहीं हुआ है, लोगों से बस यही गुजारिश है कि घर में बैठ के सेलिब्रेट करें। पहले लोगों की ही जिम्मेदारी है, इफ़ दे विल फॉलो SOPs ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाएगा। अगर लोग ही मतलब बेवकूफ़ी की तरह विदाउट मास्क, विदाउट ऐसे ही, विदाउट सैनिटाइजर बाहर आते हैं, हुजूम के हिसाब से आते हैं, तो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट को जो गलती करनी थी उन्होंने कर दी, चार धाम यात्रा से, बाकी चीज़ों से, इलेक्शन से, वो तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो दे हैड लेफ्ट एवरीथिंग एट द हैंड्स ऑफ गॉड, वो अपने ऊपर कुछ नहीं रखा था, उनने तो गलती की, लोगों को तो भुगतना है। अब लोगों को ही अच्छा करना है कि वो उन्हें घर में बैठना है आराम से, जिससे ये ट्रांसमिशन रुक जाएगा। एडवाइसरी तो वही है, मैं जो हमेशा कह रही हूँ, घर में रखे, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर हम श्रीनगर चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए कुछ दिनों में, तो इसके लिए यही है कि वो घर पे बैठे कुछ दिन, तो घर पे बैठे हम लोग। लीनियंसी नहीं है ये, बस ट्रैफिक लोग घर पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए हम लोग भी रोड पे ज़्यादा हैं, लीनियंसी कुछ भी नहीं है। हम एम्प्लॉयज़ को छोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स को छोड़ रहे हैं, पेशेंट्स को छोड़ रहे हैं, बस बाकी जितने भी लोग निकल रहे हैं हमारी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ घर में बैठे। ऐसा तो लोग ही बताएंगे क्यों निकल रहे हैं, अब कोरोना तो रिलैक्स हुआ नहीं है। हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ कश्मीर हीमोफीलिया में मुब्तला मरीजों के इलाज, मुआलजा, बाजाबादकारी और कफालत के लिए सरगर्म है, जो मौजूदा हालात में मस्कुरा मरीजों को हर मुमकिन मदद करने में मसरूफ है। लिहाजा इदारा वादी कश्मीर के गयूर आवाम से गुजारिश करता है कि अपनी सदकात व जकात इदारे के दिए गए अकाउंट नंबर में जमा करके अज्र अजीम पाएं।